अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सांगर न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं राणा नईम अहमद राजपूत। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिला सांगर की तहसील जामनवाज़री से ताल्लुक रखने वाले मुतवस्सित तबका के रईस गुलाम मोहम्मद मरी के बारे में। नाज़रीन, कुछ साल पहले सिंध मरी इत्तेहाद के नाम से एक बरादरी तंजीम बनाई गई, जिसका मकसद मरी बरादरी के अफराद के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला, बच्चों की तालीम, सेहत और दीगर मसाइल के सदबाब था। नाज़रीन, तंजीम में रईस गुलाम मरी को तहसील जामनवाज़री में बतौर तहसील सदर के मुंतखब किया गया। इस नौजवान ने तहसील सदर बनने के बाद हर मजलूम हर दुखी शख्स से हमदर्दी को अपना मकसद बना लिया। अब ये नौजवान सिर्फ मरी कबीला में ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम समेत दीगर यहाँ रहने वाली तमाम बरादरियों में मकबूल हो गया। इस दौरान घोटकी पुलिस ने भी इस नौजवान को बिना जवाब गिरफ्तार किया। इस जगह इस नौजवान के किए गए अच्छे काम और गरीबों की दुआएं काम आई और ये नौजवान बाइज्जत भरी हुआ, जिसके बाद इन साहब की मकबूलियत में और भी इजाफा हुआ और बिरानी शहर की तारीख में इस मोहब्बती शख्स के लिए पहली बार शहर मुकम्मल बंद किया गया, जिसमें शहर की हर बरादरी का फर्द उनके साथ हमदर्दी के लिए खड़ा नजर आया। नाज़रीन, सिंध मरी इत्तेहाद की जानिब से इस शख्स की सलाहियतों को देखते हुए रईस गुलाम मरी को तहसील सदर से जिला सांगड़ का सदर सदारत सौंप दी गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस शख्स को फूलों की हार, सिंध का रवायती तोहफा अजरक, सिंधी टोपियां पहनाए जाने की तकारीफ अरूज पर है और सोशल मीडिया पर एक मुतवस्सित तबका से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स को चारों तरफ से बिला रंग और नस्ल मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जामनवाज़री के सहाफी और राणा नईम अहमद राजपूत, हाकिम अली बलोच, जी हसन मरी, शाकिर अली राजपूत, राणा शाहिद अली व दीगर की जानिब से भी जिले सदर मुंतखब होने पर रईस गुलाम मरी को अजरक का तोहफा पेश किया गया। इस मौके पर शहरी एक्शन कमेटी बेरानी के अहदेदारों मोहम्मद अली मुगल, होश मोहम्मद खाशकली, अमीन बलोच, सदोरो खाशकली व दीगर ने भी अजरक पेश की और मुबारकबाद दी। सिंध मरी इत्तेहाद के जिले सदर रईस गुलाम मोहम्मद मरी की जानिब से तमाम मेहमानों को अशाइया दिया गया। इस मौके पर सिंध मरी इत्तेहाद जामनवाज़री के सदर मीर माशूक अली मरी ने साफियों से गुफ्तगु करते हुए कहा कि अन्या रेण मा रेण अचे थी अची मता समझी वया मोर मरी जेकर साईं मथे जिले लेवल ते वियो आ त इहो साईं जो कम आ जेको हिते तालके जे लेवल का साईं करे ॾेखारियो आ ऐं इन में पूरी मीडिया जो असां ताउन हो जेके बि असांजी नंढियूं वॾियूं एक्टिविटियूं सभु मीडिया असांखे सुठी कवरेज ॾिनी ऐं माण्हुनि ताईं जेके असांजी एक्टिविटियूं आहे उहो आम माण्हुनि ताईं पुॼायो त सिंध मरी इत्तेहाद हेतिरे लेवल ते तालके लेवल में कमु करे रहियो आहे। उम्मीद आ त साईं जीअं ज़िले लेवल ते आहे इनशाला उहो साॻियो कमु जेको पहिरीं तालके जाम नवाज़ली में साईं करे ॾेखारियो हाणे पूरे ज़िले लेवल ते इहो कमु करे ॾेखारींदो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में पहिरीं जनरल सेक्रेटरी जे हैसियत सां जेको असांजो हालो साईं सां गॾु हुआसीं हाणे सदर जे हिसाब सां बि साईं सां गॾु आहियूं। साईं असांजो मोहसन आहे, रहबर बि आहे, वॾो बि आहे, जेको हुकुम हूंदो साईं सां गॾु हूंदासीं। ऐं साईं हू बि आदि मुंहिंजी हर हिकु सॾ ते गॾु हूंदो इनशाला आईंदे बि। रईस गुलाम मरी ने कहा कि मैं नहायत शुक्र गुज़ार हूँ मीडिया वालों के दोस्तों का जो इतनी मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं इतना तो मैं नहीं उतर सकता हूँ जितना मैं मीडिया वालों ने किया। हमारे जो सिंध मरी इत्तेहाद का जो ही मंशूर था जो ही था जो इस मीडिया वालों ने उठाया, मैं इनके लिए तमाम शुक्र गुज़ार हूँ, बेहद शुक्र गुज़ार हूँ, मेहरबान। इस मौके पर हाकिम खान मरी, सिकंदर अली मरी, शालती फाउंडेशन फॉर भील पर्सन के नारायण दास भील, लगारी मरी समेत मरी बरादरी के दीगर अफराद मौजूद थे।